आज ज्यादा थक गयो, थोड़ी कमर दबा दे मुखी। ओ कलेश, थोड़ी कमर दबा दे मुखी। अरे के हो गया? अरे आज वो कबीर को पेपर दो, उसकी तबीयत में जंग लग रहा तो मैंने कहा मैं जाके दे आता हूँ। अरे दो जवाब लिखित के थे, बाकी सारा ओरल था, इसमें तेरे हाथ टूट गए। बस वो पेपर देने के चक्कर में थक गयो, सवाल तो दो ही थे पर बहुत टाइम से पेपर आना दिए थे इसलिए थक गयो। हाँ तो ट्रक के तड़ा आ जा, मेरी गली भड़क मन ना करा। वैसे एक तो सवालन का जवाब देगो? अरे इस सवाल पर अच्छा तो नहीं दिमाग चाटा का। हाँ हाँ अच्छा नू बता, कुत्ता अपनी पूंछ क्यों लावा? कुत्ता अपनी पूंछ क्यों लावा? कुत्ता कुत्ता पूंछ क्यों लावा? भाई एक काम कर, रहने दे, तू अपने दिमाग पर जोर न डाल, तेरी एडियां कांप जाएंगी। रहने दे छोड़। ओ मेरी सासू के मतलब सा तेरा। शुक्र है रत्तों नहीं चुनिया कबीर ने पेपर देने ताई, तो फेल कराया दो ना। हाँ तो तू फोड़ देने इस डोबरे में था, क्यों लावा है? अरे कुत्ता पूंछ न्यू लावा है, क्योंकि एक पूंछ पूरा कुत्ता थोड़ी ला सका है। दे दे, दे दे। मेरी चमड़े वाली चप्पल लाइए रे। तुम में से जो सबसे ज्यादा बेवकूफ है ना, अपने आप खड़े हो जो। मैं तो ना हूं। हाँ बोल। मुझे पता था इस घर में सबसे बेवकूफ आदमी तू ही निकलेगा। अरे तू अकेला खड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए खड़ा हो गयो। रिस्पेक्ट भाईचारो, बिना बात के सुनाई जा रो। अबे साले तू मुझे ये बता, कुत्ते पूछ वाला जवाब क्या लिख के आया तू? ओ हेलो, ये तो फैक्ट है, कुत्ता पूछ इसीलिए तो हिलाता है क्योंकि पूछ थोड़ी पूरा कुत्ता हिला देगी। गुज्जर अगर मेरे को पता होता ना कि तू मेरा पेपर लिखने जा रहा है तो मां कसम 104 बुखार में भी मैं वहां पहुंच जाता। मना तक खुद इसने सुतनता चमड़े वाली चप्पल मंगा रखी इस बात पर। कलेश अगली सुन, इतना बेवकूफ तो तू भी नहीं होगा। अरे ओ छोरी सॉरी सॉरी सॉरी, इससे पूछ एक बार, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था हमारे देश में? 2 अक्टूबर को? अरे सबको पता 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। मननु दिखा जुगर गांधी गुजरा था शायद। गांधी? इससे पूछ तो ले, क्या था 2 अक्टूबर को? अरे ओ उस विमल वाले ने सारे देश को एक ही तो बात रटा रखी है कि 2 अक्टूबर को विजय अपने परिवार के साथ पंजिंग गया था बाबा जी के सत्संग के लिए, और वहाँ उन्होंने पाव भाजी भी खाई। 3 अक्टूबर को वापिस आ गए थे गाय तोंडे। फेल करा दिया इसने, मैं फेल करा दिया तूने मैं। साला भलाई का जमाना ही नहीं रहा भाई, हम में से कोई किसी की भलाई नहीं करता, मैं अकेला हूँ, अकेला गुज्जर जो भलाई का सोचता है और ऐसे सुनता है। रुको जरा, सबर करो। शुक्रिया भगवान मुझे जिंदगी में मौका देने के लिए। ये भले आदमी के बीच में कौन खड़ा है? तेरी पेट। सॉरी सॉरी कबीर भाई, सॉरी सॉरी। अरे भाई जी आज मैं इतना अच्छा काम करके आया हूँ ना, इतना अच्छा आप सब खुश हो जाओगे। एक छोटे बच्चे को 500 रुपए दिए मैंने, 500 रुपए ले आ गया तेरा भलाई वाला। साले तुमसे अच्छे तो ये भूत है। बता इसको, बता इसको कैसे कैसे करते हैं भलाई, बता। एक मिनट, भला कर रहे हैं ना कोई सुन ना ले। हाँ तो भाई एक बच्चा गली में रो रहा थैड़ 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 टेसुए भागे, मेरे 500 खो गए, मेरे 500 रुपए खो गए, मेरे 500 रुपए खो गए। मैंने देखा बच्चा रो रहा है, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 घंटे तक मैं वहाँ खड़ा रहा, वो गया ही नहीं, रोए जा रहा, कहे मेरी माँ पिटेगी, मेरी माँ पिटेगी। मेरे का दिल पिघल गया, मैंने अपने 500 रुपए उसको दे दिए, जेब में डाल दिए, मैं ले छोटे रख और ऐस कर। वाह दिल पर लग गई छोटे तेरी ये बात। सुन ये होता है भला इंसान। साले अमली तेरे पास 500 रुपए आए कहाँ से? तो मैंने कब का 500 रुपए मेरे थे, मेरी भगवान ने मदद करी, मैंने उसकी कर दी। मुझे भी वो 500 रुपए 20 मिनट पहले वहीं से पाए थे जहाँ वो बच्चा रो रहा था, पर मैंने सोचा नहीं 1 मिनट भी, मैंने अपने पाए हुए पैसे उसको दे दिए। मैं कहा तू रो मत,